चार लीटर एक दिन का ये दूध दे देती है। बहुत ब्रीडर था अच्छा बैट, अच्छा उसकी नस्ल बनाई हुई है, बैट बच्चे ही आते हैं उसके। 20-25 हज़ार का ऐसा बच्चा एक सेल हो जाता है। हाँ सेल हो जाता है। अपना भाई साहब एक मकान बना के जी बाड़ा डाला हुआ है, कम ही खर्चा है। अच्छा खुद खर्चा क्या है। अच्छा राम पोल्ट्री फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जी। तो आज अपना वीडियो अपने गोट फार्म पर विजिट करने के लिए आए हैं। तो ये जो अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का रोड़ा वाली गाँव है, तो जहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा एक गोट फार्म बना रखा है, कम पूंजी लगाकर अच्छी व्यवस्था बना रखा है। और इनको गोट फार्म स्टार्ट किए हुआ भी काफ़ी टाइम हो गया, इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं अभी किस हिसाब से इन्होंने ये गोट फार्म है जो बना रखा है और इससे इनको किस हिसाब से इनकम हो रही है। तो ठीक है भी, नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल है। बढ़िया भाई, और बढ़िया मौज में हो। और आपने जो जी अपना गोट फार्म का जो बिजनेस कर रखा है, हाँ जी, तो आपने इसकी स्टार्ट कब से की थी और आपको कैसे मतलब ये सुझाव आया कि आप गोट फार्म ही करोगे और धंधे की बजाय। इसको मेरे को हो गए 98 साल। 1998 में जब स्टार्ट किया था, 1998 में मैंने काम चालू किया था। 24-25 साल हो गए ना। हाँ 24-25 साल हो गए मेरे को काम करते ने, वो अच्छा काम है, बढ़िया काम है। अच्छा बढ़िया काम। हाँ खेती का काम ही चलता है, बाकी फार्म वाला काम ही मेरा बढ़िया चल रहा है। अच्छा खेती के साथ साथ आपने जी मतलब जो गोट फार्म है इसका काम भी आपका बढ़िया चल रहा है। अच्छा तो आपने काफी मतलब ज्यादातर तो बकरे पाल रखे हैं, बकरी भी पाल रखी है काफी। बकरियां पाल रखे हैं, बकरियां के बच्चे हो जाते हैं, बच्चे वो सेल कर देता हूँ। अच्छा ये बकरियां हैं, 8-10 बकरियां परमानेंट रखी हुई मेरी। ये वो आपकी जो कौन सी ब्रीड की बकरी है। ये पंजाबी में बीटल नस्ल। अच्छा बीटल नस्ल में ये बकरी आ जाती है। तो इसका ये मतलब दूध कितना दे देती है एक बकरी। दूध दे देती है एक बकरी, मान ले दिहाड़ी का दे देती है 4 लीटर। अच्छा 5 लीटर, चार लीटर एक दिन का ये दूध दे देती है। हाँ दे देती है। और ये जो अपनी अपने बच्चे कितने देती है, एक साल में कितनी बार सो जाती है ये। एक साल में 2 बार सो जाती है। अच्छा 2 बार। और बच्चे कितनी दे देती है। बच्चे 2 से 3। 2 से 3 बच्चे जी एक ब्यांत में दे देती है। एक ब्यांत में दे देती है। 2 से 3 बच्चे इसका मतलब तो अच्छे से पल जाते हैं। 3 बच्चे अगर पल जाते हैं, अच्छे से पल जाते हैं। दूध होता है, पूरा दूध होता है इस बकरी का। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, दूध अच्छा दूध होता है, तो बच्चे पल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप डाइट में इसको क्या दे रहे हो। डाइट में दे रहे हैं वो चने की चूरी दे देते हैं, ग्वार का नीरा और लूंग, 3 चीजें मिक्स करके दे देते हैं। अच्छा जी अलग अलग से। किस हिसाब से देते हैं, जैसे सुबह के वक्त आप क्या देते हो इसको। और सुबह के वक्त बस अब खाने का टाइम है इनका। हाँ। बस आधा घंटा और रोके इनको। हाँ। खाने को दे दूंगा मैं। अच्छा, क्या पानी खाना दे दूंगा, बैठ जाएगी फिर उसके बाद 3-4 बजे से फिर इन्हें। अभी आप ग्वार का नीरा दोगे या लोंग दोगे, क्या दोगे अभी। ग्वार का नीरा दूंगा। अच्छा ग्वार का नीरा दोगे और शाम को लोंग दोगे जो पत्ती है। शाम को पत्ती दूंगा, वो दाना दूंगा, दाने और चने की चूरी दूंगा, उसके बाद लूंग दे दूंगा, रिपत्ती दे दूंगा। अच्छा हाँ। तो आपने ये व्हाइट कलर में ज्यादा पाल रखे, इसकी क्या कारण है, आपने व्हाइट बकरे ज्यादा पाले हुए हैं इसमें। बैट बकरा क्या है कि मेरे पास एक बहुत ब्रीडर था अच्छा बैट। अच्छा उसकी नस्ल बनाई हुई है, बैट बच्चे ही आते हैं उसकी। अच्छा इनका रेट अच्छा रहता होगा। अच्छा रेट रहता है। क्या रेट में बिक जाता है ये बाइट बच्चे। ये बच्चे हैं छोटे बच्चे, मैं 20-25 हज़ार के बेचता हूँ ऐसे बच्चे। 20 हज़ार का 25 हज़ार का बच्चा बेचता हूँ। 20-25 हज़ार का ऐसा बच्चा एक सेल हो जाता है। हाँ सेल हो जाता है। बच्चे खड़े हैं ये बच्चे बिक जाते हैं। बड़ा बकरा कितने बिक जाता है, जैसे इस हिसाब के बकरियां। बड़े बकरे 2 लाख का 1.5 लाख का। अच्छा अच्छा अच्छी कीमत में बिक जाते। अच्छी वो पाल के उधर बकरे खड़े मेरे, वो बकरे दिखाऊंगा, बकरे पाल के वो बकरे बेच जाते। अच्छा जो फ्लाई वाले, वो फ्लाई वाले बकरे बच्चे होते हैं ना। 2-2.5 लाख का बकरा बेच देता हूँ मैं। अच्छा 2-2.5 लाख का एक बकरा आपका सेल हो जाता है। तो ये किस हिसाब का काम, आप क्या कहना चाहोगे नए किसान है जो इस धंधे से जुड़ना चाहते हैं गोट फार्म में। गोट फार्म में जुड़े अच्छा धंधा है, बुरा धंधा नहीं है, अच्छा है। इसमें 2 पैसे बनते हैं। अच्छा। इस धंधे में कोई जुड़े पैसे बनते हैं, इस धंधा अच्छा धंधा है, माड़ा धंधा नहीं। तो आप इनको कहाँ पर सेल करते हो, अगर कोई किसान भाई ऐसा गोट फार्म कर ले तो उसको बेचने में कोई दिक्कत आती है तो। कोई दिक्कत नहीं आती, वो घर पे ही बेच जाते हैं, वो बाहर बेचने जाओ तो बाहर ही बिक जाते हैं। मेरा काम है सूरत की, बंबई की मंडी, सब मंडियों के अंदर माल लगाता हूँ। अच्छा जहाँ से आप ट्रक वर्कर ट्रक भर के। हाँ सूरत मंडी के अंदर माल लगाता हूँ, वो बंबई मंडी के अंदर ही माल जैसे लगाता हूं। आप 4-5 किसान इकट्ठे हो गए और अपने जो जो बेचने वाले एक साथ ले गए। एक साथ ले गए, अच्छी कीमत मिल जाती है ना। तो इधर आपने जो शेड बना रखी है इनके लिए, तो इधर इस रात के वक्त इधर रहते हैं सर्दी में,
हाँ। तो ये कम खर्चा करना चाहिए ना हमको जो अपने कम खर्चा ही है अपना भाई साहब, एक मकान बना के जी बाड़ा डाला हुआ है, कम ही खर्चा है। अच्छा, खुद खर्चा क्या है? अच्छा, इधर कोई खर्चा ही नहीं। ओ, पेड़ के नीचे जो पेड़ के नीचे छाया रहती है पूरा दिन। वो सर्दी का मौसम आना ये मकान के अंदर बढ़ जाता है। अच्छा, सर्दी के वक्त। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई जब आपने जो स्टार्ट किया था? अभी आपको शुरू में कुछ दिक्कतें भी आई होगी इसमें, इस काम में? पहले तो इसका मान ले तरीका नहीं था, धीरे 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 तरीका आ गया। अच्छा, भी क्या दिक्कत आई थी आपको सेल करने में या पालने में? कोई बीमारी ऐसी आती हो जिससे? बीमारी आती थी, छोटे बच्चे मर जाते थे, पालने का पता नहीं था, वो मेडिकल वगैरह पूरा सिस्टम होता नहीं था मेरे पास। अब इसका पूरा तरीका आ गया। अब क्या अगर कोई किसान भाई अपने बच्चा पालता है तो उसको किस हिसाब से इसका ध्यान देना चाहिए? कौन सी दवा देनी चाहिए? कौन सा टीका वैक्सीन क्या करना चाहिए उसका जानकारी? इसको मान ले वैक्सीन करानी चाहिए। कौन सी वैक्सीन? वैक्सीन जो 5-6 बीमारियां आती हैं उसके अंदर वैक्सीन होती है, डॉक्टर कराता है। सरकार पीपीआर की वैक्सीन करवा लो, सरकारी डॉक्टर आजकल तो हॉस्पिटल था बने हुए, तो वो करवा लो, उससे बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये साल में 2 बार मान ले कीड़ियां वाली दवा लगा देना, कीड़े वाली वो डिवर्मिंग करनी चाहिए साल में 2 बार करनी चाहिए बस साल में। उससे उससे क्या है, ग्रोथ अच्छी करता है ना? हाँ, ग्रोथ अच्छी करता है। जो खाना खाएगा जो इसको लगेगा कीड़े नहीं खाएंगे, वो कीड़े नहीं रहेंगे। तो ये तो ठीक है ऐसे ना, ये कुछ लोग किसान भाई ऐसा करते हैं वो डिवर्मिंग नहीं करते, उससे भी उनका नुकसान हो जाता है, तो डिवर्मिंग जरूरी है। तो डिवर्मिंग के अलावा आपको इसको कोई घी तेल या कुछ और भी देते हो या नहीं देते हो? नहीं, और कुछ ही नहीं देते, इसको दाना ही देते हैं शाम को बस। कितने ग्राम दाना देते हो एक बकरी को? एक बकरे को जो बच्चे हैं मान ले कि 150 ग्राम दाना खाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, बकरी हैं, बकरी को आधा किलो दाना दे देते हैं। और दाने में क्या चीज का दाना देते हो आप? चने की चूरी देते हैं। चने की चूरी देते हैं? हाँ, चने की चूरी देते हैं। अच्छा, चने की चूरी उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, गेहूं को मिक्स कर देते हैं, कोई बाजरा मिक्स करना चाहे तो कर सकता है उसके अंदर, चने की चूरी के अंदर कोई चीज मिक्स करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा।